बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो कुछ साल पहले डिप्रेशन से जूझ रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा था जब वो सुसाइड करना चाहती थी, फिर उन्होंने इससे बाहर निकलने का पूरा क्रेडिट अपनी मॉम को दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी रीजन के परेशान हो जाती थी। ऐसे कई दिन होते थे जब मैं जागना ही नहीं चाहती थी, मैं बस सोना चाहती थी, क्योंकि सोना मेरे लिए लोगों से छिपने का एक तरीका था। उस समय मुझे सुसाइड करने के ख्याल आते थे। दीपिका कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स बैंगलोर में रहते हैं। जब वो मुझसे मिलने आते थे तब हमेशा उनके सामने अपने को मजबूत दिखाती थी कि आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते कि आप परेशान हैं। लेकिन एक दिन जब मेरे पेरेंट्स वापस बैंगलोर जा रहे थे तब मैं अचानक रोने लगी। वो आगे कहती हैं कि तब मेरी माँ ने मुझसे जनरल पूछा कि क्या बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ है या कुछ और है। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, बस मुझे अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा था। उसी समय मेरी माँ को समझ आ गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं इसे पहचानने का क्रेडिट अपनी मॉम को देती हूँ। दीपिका की बात करें तो वो काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्होंने 2015 में इस बीमारी का खुलासा किया था। वहीं जब फैंस को इस बात का पता चला तब उन्होंने एक्ट्रेस का खूब सपोर्ट किया। इसके बाद दीपिका ने 2018 में रणवीर सिंह से शादी कर ली। दोनों को आखिरी बार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 में देखा गया था।